तो बच्चों सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही जरूरी है। जैसा कि तुम सभी जानते हो हमारा जो एग्जाम है 4-5 महीने बाद होगा। आज हम लोग यही समझेंगे कि मात्र 3-4 महीने में पढ़कर 90% से ऊपर कैसे लाएं, ठीक है ना। यकीन मानो वीडियो पूरा देखो, जो समझा रहा हूँ उसे समझो तभी आपका भी परसेंट आएगा, ठीक है ना। अगर देख कर गए ना तो समझो परसेंटेज गया, ठीक है ना। परसेंटेज कैसे आता है, कैसे आपका 90% आएगा, मात्र सितंबर से पढ़कर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मात्र 4 महीना बचा है, 4 महीना पढ़कर कैसे तुम लोग परसेंटेज आ सकते हो, देखते रहो ध्यान से। यहाँ पे जो समझा रहा हूँ समझ लो, समझ गए तो परसेंटेज आएगा, अगर नहीं समझे ना तो नहीं आएगा, डूब जाओगे, समझ रहे हो ना। खोरा लगा ऐसे ही घूमते रह जाओगे, देखते रहो। यहाँ पर समझो परसेंटेज 90% लाने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे हाई स्कूल 10th, उसके बाद से बात करेंगे 12th का, ठीक है ना। सबसे पहले यहां पर 10th 90% लाने के लिए क्या क्या जरूरी है जो आपको करना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले देख लो इधर। अगर 10th में तुम चाहते हो 90% लाए ना, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक चीज है सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करो, ठीक है ना। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, गणित का भी जो भी सब्जेक्ट तुम लिए हो हाई स्कूल में उसका सिलेबस तुम्हारे पास होना चाहिए। कितने लड़के सिलेबस में नहीं जानते हैं, अगर वो सिलेबस में नहीं जानते हैं तो कहाँ का नंबर लाएंगे, कुछ नहीं लाएंगे। तो आपको सिलेबस जानना पड़ेगा, आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, सिलेबस देख कर पढ़ाई करो। सिलेबस कैसे डाउनलोड करोगे, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिलेबस बाबू डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर सिलेबस नहीं समझे ना तो कुछ नहीं समझ पाओगे। तो सिलेबस के बाद हो गया नोट्स, ठीक है ना। अगर नोट्स नहीं तैयार है तो नोट्स तैयार करो। दूसरा क्या है बाबू, नोट्स, जो भी सब्जेक्ट हो सबका नोट्स तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर नोट्स नहीं है ना तो ये बताओ, जो एग्जाम में गैप मिलता है 4-5 दिन का गैप मिलता है, गैप में क्या करो। नोट्स का मतलब है हमारा हथियार। अगर तुम किसी भी युद्ध में जा रहे हो तुम्हारा हथियार रहेगा तभी ना जीतोगे, तो नोट्स हमारा हथियार है और हथियार हम लोग बहुत तैयार करेंगे, समझ रहे हो ना। तो नोट्स तैयार करो, अभी से तैयार करो, अगर पूरा नहीं है तो अभी तैयार कर लो, समझ रहा है ना। तो नोट्स तैयार करो। दूसरा है नोट्स, ऐसे ही समझाते रहो जो आज मैं समझाऊंगा ना, समझ गए ना नंबर आएगा तुम्हारा, ठीक है। नोट्स तीसरा देखो, तीसरा तुम्हें क्या करना है, पिछले साल का क्वेश्चन, पिछले साल का क्वेश्चन, पिछले साल का जो प्रश्न पूछा गया है इसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कितने लड़के ये भी नहीं समझते हैं, जो तुम्हारा अनसॉल्व होता है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसे भी देखो कैसे तुम्हें यूज करना है, अभी मैं बता रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, यही तीन को जरूरी है। और चौथा जो है पढ़ने का टाइम टेबल, चौथा क्या है पढ़ने का टाइम टेबल, मतलब टाइम टेबल तुम्हारा क्या होगा, मतलब कैसे तुम पढ़ाई करोगे। ये चार गो चीज समझ गए, यही चार गो चीज आपको हाई स्कूल में 90% से ऊपर नंबर लाएगा। और कैसे आएगा चलो बात करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर सिलेबस नहीं डाउनलोड है, अगर सिलेबस तुम नहीं समझते, सिलेबस क्या होता है, तो यूपी बोर्ड वाले हो तो ध्यान से देख लो, यूपी बोर्ड वाले हो तो सबसे पहले ये वाला क्रोम में जाकर खोल लेना, upmsp.edu.in, उसके बाद से लिखना सिलेबस, नहीं तो यूपी बोर्ड सिलेबस ऐसे ही क्रोम पर जाकर लिखो, गूगल पर जाकर लिखो, उसके बाद से क्या आएगा सिलेबस आ जाएगा, 9 का 10 का 11 का 12 का। तुम्हें क्या करना है, 10 में जाना है, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है उसका सिलेबस डाउनलोड कर लेना। सभी सब्जेक्ट का सिलेबस तुम्हारे पास रखो, मोबाइल में चाहे PDF निकलवा कर रखो, ठीक है ना। उसमें देखते रहो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, फालतू का ऐसे पढ़ते रह जाओगे कुछ नहीं होगा बाबू, ठीक है। तो सिलेबस का तरीका यही है, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद से नोट्स, अब देखो नोट्स कैसे बनाना ये जरूरी है। तो सबसे पहले तुम सिलेबस डाउनलोड कर लियो, उसके बाद से क्या करो, जो सिलेबस में टॉपिक दिया है ना, टॉपिक होना चाहिए वही टॉपिक का क्या करो नोट्स में बनाओ, फालतू का कुछ नहीं, कबाड़ हमें नहीं बनाना है, हमें नोट्स बना रहे हो समझ रहे हो, किताब नहीं बना रहे हो, कुछ भी डाल दोगे, समझ रहे हैं ना। तो क्या करना है तुम्हें, क्या करना है नोट्स के जो सिलेबस में टॉपिक है वही पढ़ना है, फालतू का कुछ नहीं, फालतू का पढ़ते रह जाओगे, सारी दुनिया फालतू पढ़ रही है, सारी दुनिया का परसेंटेज नहीं आता है, सब तुम ही समझ रहे हो, एक ही आदमी टॉप करेगा तो समझ रहे हो ना। तो फालतू का तुम पढ़ते रह जाओगे, तुम्हें क्या करना है फालतू का नहीं पढ़ना है, सिलेबस में जो दिया वही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है 90% से ऊपर लाना है, ठीक है। तो क्या करो, जो भी सिलेबस में दिया हो उसी का नोट्स बनाओ, और उसके बाद से क्या करो, नोट्स बना लियो ना, उसके बाद से जो टाइम टेबल यहाँ पर बनाओगे अभी मैं बताऊंगा, टाइम टेबल बनाओ है उसी के अनुसार तुम क्या करो पढ़ाई करो, ठीक है। कैसे पढ़ना है समझो, टाइम टेबल देखो, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने तुम्हें कैसे पढ़ना है उसके बाद ये समझा देता हूं। समझ गए तो नंबर आ गया, नहीं समझे तो भाड़ में जाओ, नंबर नहीं गया। देखो यहाँ पे तब बाबू यहाँ पर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, मतलब तुम्हारे पढ़ाई करने का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। आज का वीडियो अगर समझ गए ना, वीडियो नंबर आएगा तुम्हारा। टाइम टेबल देखो, देखो हाई स्कूल वाला ये समझ लो, यहाँ पर हाई स्कूल चाहे तुम कोई भी, तुम्हें क्या करना है
सबसे पहले अगर 7 से रात में देखो 7 से लेकर 8 बजे तुम लोग खाना खा ही लेते हो, 7 से 8 लेकर 8 से खाना खा लेते हो, तो तुम्हें कब से पढ़ना है? देखो अगर 8 बजे से पहले खाना खा लेते हो, देखो समझ लो ध्यान से, 8 बजे से पहले खाना खा लेते हो तो ये वाला 8 बजे से पहले खाना खा लेना, 8 बजे से पीएम मतलब रात में, कब जी रात में, मतलब 8 से लेकर तुम्हें क्या करना है 9:30 तक विज्ञान पढ़ना, अगर विज्ञान वर्ग के हो तो, अधिकांश हमारे स्टूडेंट विज्ञान वर्ग के हैं क्योंकि मैथ पढ़ाता हूँ, तो 8 से लेकर 9:30 तक विज्ञान पढ़ना है। अब विज्ञान में क्या करोगे, विज्ञान में नया चीज नहीं पढ़ना है, जो तुम्हारा मास्टरवा पढ़ाया है, जो नोट्स बनाए हो तुम, उसी का रिविजन केवल करना है, केवल रिविजन करना है, अपने मन से कुछ मत पढ़ना, जो नोट्स बनाए हो उसी का केवल रिविजन करना है, 1.5 घंटा केवल तुम्हें रिविजन करना है, इसमें से 1 घंटा रिविजन करना, जो विज्ञान में जो आधा घंटा क्या करना, उसका जो प्रश्न होता है न्यूमेरिकल उसको बना लेना, 1.5 घंटा तुम्हारे ऐसे ही करना, लेकिन ध्यान रखो डेली तुम्हें करना पड़ेगा, ये नहीं कि आज पढ़ लिया जोश है तो आज पढ़ लिया 2 दिन क्या करें आराम किए वैसे नंबर आता है, नहीं तुम्हें क्या करना पड़ेगा 1.5 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा साइंस, 8 से लेकर 9:30 तक विज्ञान, उसके बाद से देखो अब क्या करना है, 9 से लेकर रात में 9:30 से लेकर यहाँ पर 10 बजे तक, 9:30 से लेकर 10 बजे तक हिंदी पढ़ना है, इस समय देखो हिंदी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, केवल हिंदी पढ़ना है, आधा घंटा इस समय केवल हिंदी पढ़ना है, और इस समय हिंदी में क्या पढ़ोगे, सबसे पहले तुम लोग क्या करना है, जीवन पर्चय तैयार करना, जो इंपॉर्टेंट जीवन पर्चय है वह तैयार कर लेना और उसी का रिविजन करना, आधा घंटा वह तैयार हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके डेली मतलब हिंदी पढ़ते रहो, ठीक है ना, इस समय रात में बात कर रहा हूँ, अभी हिंदी का अलग से भी बताऊंगा, रात में इस समय 9:30 से लेकर 10 बजे तक आधा घंटा हिंदी हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब देखो उसके बाद से अब 10 बजे से लेकर 11 बजे तक तुम्हें क्या करना है, बाबू गणित लगाना है, अगर गणित वाले अधिकांश स्टूडेंट हैं गणित लगाना है, अगर गणित नहीं पढ़ते हो होम साइंस पढ़ते हो तो होम साइंस लगाओ, अगर एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो एग्रीकल्चर लगाओ, ठीक है। तो ये वाला कितना हो गया 8 से लेकर 3 तक, मतलब रात में तुम्हें क्या करना है, यकीन मानो यही 3 घंटा केवल पढ़ना है, केवल 3 घंटा, ज्यादा मत पढ़ना कम मत पढ़ना, ज्यादा मत पढ़ना कम मत पढ़ना, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना बिल्कुल भौकाल कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना होगा बाबू तुम्हारा आधा घंटा, ठीक है, कितना हो गया 3 घंटा, ये 3 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है कितना, मात्र एक सप्ताह में 6 दिन, एक दिन रेस्ट कर लेना, लेकिन 6 दिन लगातार फॉलो करना इसको, लगातार, क्योंकि 4-5 महीना ही शेष बचा है, लगातार फॉलो करना 6 दिन, विज्ञान जरूरी था इसलिए 1.5 घंटा करवा दिया, गणित भी जरूरी है, गणित भी कर लेना, उसके बाद अब देखो क्या करोगे बाबू, जब सुबहिया में उठोगे ना, सुबहिया में देखो 11 बजे क्या करोगे, सो जाना 11 बजे, सोना 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटा हो गया ना केवल, तुम्हें 6 घंटा सोना है, 6 घंटा हो गया ना, बताओ 6 घंटा हो गया ना, 12 हो गया 1, 2, 3, 4, 6 घंटा हो गया ना, उसके बाद से तुम्हें क्या करना है, सुबह में उठते उठते आधा घंटा फिर से अंग्रेजी पढ़ लेना, सुबह में उठते उठते आधा घंटा 45 मिनट जितना तुम्हारे पास समय है, क्योंकि कितने लड़के सुबह में कोचिंग जाते हैं उन लोगों के बता रहा हूँ, तो इस समय क्या करना है, आधा घंटा 45 मिनट मतलब जितना तुम्हें समय बचा अंग्रेजी पढ़ लेना सुबह में, कब पढ़ोगे सुबह में, इंग्लिश सुबह में क्या पढ़ोगे बाबू, इंग्लिश सुबह में, इस समय इंग्लिश पढ़ लेना, इंग्लिश पढ़ लेना बाबू सुबह में, आधा घंटा 45 मिनट लगाकर जो याद करने है सुबह में, ठीक है, तो सुबह में अंग्रेजी पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो कितने लड़के क्या करते हैं इस समय सुबह में कोचिंग जाएंगे, तो जो कोचिंग जाएंगे तो कोचिंग जाना, फिर से आपको क्या करना है, दिन में भी पढ़ाई करना है, ठीक है ना, ये नहीं कि दिन में हम घूमेंगे तो ये सब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बाबू, दिन में आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, टारगेट 90% से ऊपर है ना, तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा, दिन में कैसे पढ़ाओगे, देखो दिन में तुम्हें क्या करना है, बढ़िया से फिर से 2 घंटा बढ़िया से पढ़ाई करना है, कितने लड़के स्कूल में जाते हैं तो स्कूल जाओ, लेकिन 2-3 घंटा पढ़ाई करना है, उसमें आपको क्या पढ़ना है समझिए, सबसे पहले जो हिस्ट्री है मतलब सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान दिन में पढ़ लेना है, सामाजिक विज्ञान पढ़ लेना है, उसके बाद से जो गणित है फिर से गणित थोड़ा सा पढ़ लेना दिन में, प्लस सामाजिक विज्ञान हो गया, उसके बाद से गणित हो गया, उसके बाद से कला, जो आर्ट्स लिए हो आर्ट्स, जो कंप्यूटर वगैरह वगैरह जो भी सब्जेक्ट लिए हो वो तुम्हें क्या करना है, इस समय सितंबर अक्टूबर में आपको दिन में पढ़ना है ये सब, उसके बाद से ट्राई करना अंत में ना स्कूल ना जाए, ठीक है ना, स्कूल में तुम लोग जानते हो ऐसे ही कबाड़ पढ़ाया जाता है, तो ट्राई करना अंत में स्कूल हम ना जाएं, क्योंकि दिसंबर में तुम्हें क्या करना है, दिनों में पढ़ना है, उसके बाद से रात में भी बढ़ा देना है।